सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। इस समाचार के प्रायोजक हैं RRT स्कूल। अच्छी शिक्षा के लिए आज ही करवाएं रजिस्ट्रेशन, संपर्क करें 9472693944। 7 मार्च को आदापुर थाना क्षेत्र में ज्वेलर और उनके पुत्र को गोली मारकर कुछ गहने लूट लिए गए थे और उसी के बाद एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें आदापुर थानाध्यक्ष, महुआवा थानाध्यक्ष, हरपुर थानाध्यक्ष, टेक्निकल सेल के मनीष, मनोज और नित्यानंद, इन लोगों के द्वारा छापेमारी करके कल शाम से लेकर रात्रि तक में 3 अपराधकर्मियों मुन्ना पटेल, कलाम मियाँ और अरुण कुमार को अरेस्ट किया गया। उनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 10 गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा लूटा गया कुछ गहना भी बरामद हुआ है और जो घटना में बाइक प्रयुक्त हुई थी स्प्लेंडर, वो भी बरामद हुआ है और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनका जो गैंग है, इनके द्वारा अभी तक अक्टूबर के बाद से लेके अभी तक में इनके द्वारा 8 लूट कांडों और जिसमें इन्होंने गोली भी फायरिंग की है, उसका उद्भेदन हुआ है, जिसमें जो अभी हालिया आदापुर में जो घटना हुई थी वो, उसके अलावा रामगढ़वा में जो 13 जनवरी को 8 लाख रुपए से अधिक की लूट हुई थी, उसके अलावा हरैया में 20 जनवरी को भी इन्होंने लूट किया था और रक्सौल में 3 लूट की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। हरपुर में भी 2, आदापुर में 1, रामगढ़वा में 1 और हरैया में 1। तो इस प्रकार इनका जो गैंग है, इसमें अभी भी 2 लोग बाकी हैं जिनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी अरेस्ट करें। सर, ये लोग लूट की घटना को अंजाम देकर फिर नेपाल में सेटल ले लेते थे। हाँ, इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडी था कि एक घटना को करने के बाद ये सीमा पार करके कुछ दिन तक उधर जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर यहाँ कोई घटना करके फिर चले जाते थे, तो ये यही इनका MO है। सर, नेपाली नंबर का जो बाइक मिला है सर, वो बाइक इन लोगों का अपना है, वो भी चोरी का है सर? ये भी हम लोग पता कर रहे हैं और हम लोग अभी असर्टेन करेंगे कि ये लूट का है, चोरी का है या इनका अपना है।